कर्मचारियों को पेंशन देगी भाजपा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल में कर्मचारियों की ओपीएस अब भाजपा की अग्नि परीक्षा लेने लगी है और ये वजह है कि अब इस मुद्दे पर बीजेपी ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। भाजपा नेता मंगल पांडे ने सिराज में ऐलान कर खलबली मचा दी है कि हिमाचल के कर्मचारियों को बीजेपी ओल्ड पेंशन देगी। क्या और क्यों कहा बीजेपी नेता ने, हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं। अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। कर्मचारियों पे हम बात कर रहे हैं, कर्मचारी सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा, सही है राजेश? चुनाव अभियान में फिर से केंद्र में नजर आ रहे हैं चुनाव कर्मचारी, एक चुनावों में कर्मचारी। देखिए, कांग्रेस तो पहले ही बोल चुकी है बिल्कुल। ओपीएस पर आज मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में सराज में एक बड़ा अभियान सामने आ जाता है बिल्कुल, और वो सबसे, देखिए एक तरह से सिंबोलिज्म जो है सराज का बहुत बड़ा है, मुख्यमंत्री का अपना चुनाव क्षेत्र बिल्कुल, वहां भी अगर ओपीएस को लेके कोई बयान आता है किसी बड़े नेता की ओर से जी, तो उस पर बहुत बहुत ज्यादा ध्यान दिए जाने की जरूरत है। ये बयान क्या है राजेश, इसके मायने क्या है? बिल्कुल सही है। देखिए, कर्मचारियों के लिए पहली चीज तो ये है अग्निहोत्री जी, की ओपीएस का मुद्दा जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में बना है, सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा इस वक्त कर्मचारियों का हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन की बहाली बना हुआ है। और जहां तक नेता का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल प्रदेश के प्रभारी रह चुके मंगल पांडे का यह बयान सामने आया, जो आज मुख्यमंत्री के गृह जिला में उनकी सीट पे प्रचार कर रहे थे। उन्होंने यह कहा कि कर्मचारियों की ओपीएस या कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन भारतीय जनता पार्टी ही देगी और इसके लिए पार्टी ने जो कमेटी बनाई है उस कमेटी ने अपना काम करना शुरू कर दिया है, तो निकट भविष्य में ओपीएस बहाल बीजेपी ही करेगी। अब चुनावों के दौरान अगर मंगल पांडे इस तरह का बयान दे रहे हैं तो फिर पार्टी के लिए एक तरह से कहें तो, या हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के लिए कहें तो, कर्मचारियों का दबाव भी हो सकता है या पार्टी की एक रणनीति भी हो सकती है कि वो इस मसले की गंभीरता को समझते हुए इस तरह का बयान सामने आ रहा है। राजेश बिल्कुल सही बात है आपने, बिल्कुल, क्योंकि कर्मचारी एक फैक्टर तो बनता हुआ दिख रहा है, वो अलाइंड होते भी दिख रहे हैं, सही सब कुछ नजर आ रहा है सोशल मीडिया के जरिए, जो उनके आधिकारिक पेजेस हैं या फिर और फ्रंट है एक तरह से जी। राजेश, पिछले कल भी सरकार की ओर से बयान आया था ओपीएस को लेके जी, कि सरकार गंभीर है, भाजपा गंभीर है, ओपीएस हम देंगे बिल्कुल जी, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है। देखिए, सरकार का अगर इस तरह का बयान आ रहा है तो सरकार इस मसले की गंभीरता को समझती है। पहली चीज कि कर्मचारियों ने, एनपीएस के तमाम कर्मचारियों ने वोट फॉर ओपीएस का नारा दे रखा है, यानी कि पहली बार कर्मचारी अपनी पेंशन के लिए वोट करेगा। और कर्मचारी क्योंकि अपनी वैल्यू समझते हैं, कर्मचारियों को पता है कि इस चुनावों में जिस तरह का माहौल ने ओपीएस की बहाली के लिए बनाया हुआ है, इससे बेहतर प्लेटफॉर्म आने वाले दिनों में शायद उनके पास ना हो, इसीलिए इस वक्त को कैश कर लिया जाए। दो तीन तरह की चीजें हैं अग्निहोत्री जी। पहली चीज तो ये कि 1.25 लाख एनपीएस के कर्मचारी हिमाचल प्रदेश में हैं और कर्मचारियों और पेंशनरों का आंकड़ा अगर हम मिलकर देखते हैं तो 4.5 लाख प्रदेश में बैठता है जे जे। और यही जब वोट में कन्वर्ट होता है तो 13 से 14 लाख के करीब करीब वोट ये कर्मचारियों का बनता है, तो इतना बड़ा वोट बैंक ये है हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी। दूसरा, अगर हम देखें तो 2017 में सीटें 18 सीटें ऐसी थी अग्निहोत्री जी, जहां 60 से लेकर 1000 मतलब 6 सीटें ऐसी थी जहां जीत का मार्जिन जो है 2017 में 1000 से कम रहा था। ये सीटें मैं आपको बताता हूं। पहली सीट पे अगर हम बात करें तो किन्नौर की सीट है, जहां आप देखिए कि बीजेपी के तेजवंत नेगी, जगत सिंह नेगी जी सिर्फ 120 मतों से हारे थे। दूसरी जो सीट है वो है कसौली, जहां राजीव सहजल 442 वोट से विनोद सुल्तानपुरी से जीते थे और फिर मंत्री बने थे। तीसरी सीट है बड़सर, जहां 439 वोट से भाजपा के बलदेव शर्मा हारे थे इंद्रदत्त लखनपाल से। चौथी जो सीट है वो डलहौजी है, जहां से आशा कुमारी 556 मतों से जीती थी। और फिर पांचवी सीट है सोलन से, जहां कर्नल धनीराम शांडिल कांग्रेस के 671 मतों के अंतर से जीत पाए थे, यानी कि 1000 से भी कम मत ये रहे थे। नगरोटा सीट की बात करें तो अरुण मेहरा 1000 वोट से जीते थे, तो 1000 जो 6 सीटें हैं वो 1000 से कम मतों से प्रदेश में डिसाइड हुई थी। अब औसतन अगर हम देखें, ये ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां कर्मचारियों का आंकड़ा अमूमन 3000 और उससे ज्यादा है जी, सही है। और ये अगर लगभग सभी चुनाव क्षेत्रों की स्थिति और अगर हम वोट फॉर ओपीएस के नारे को देखते हैं और वोट फॉर ओपीएस का नारा अगर एनपीएस के कर्मचारियों ने एग्जीक्यूट कर दिया तो फिर परिस्थितियां आप समझ लीजिए किस तरह की होने वाली है। इसीलिए ओपीएस बहुत बड़ा मुद्दा प्रदेश का इस वक्त चुनावी मुद्दा बना हुआ है जी। राजेश बिल्कुल सही
एक आपने डिटेल में बताया। एक और चीज़ राजेश, इस समय एक कर्मचारियों का सबसे बड़ा संगठन जो है हिमाचल में वो एनपीएस कर्मचारियों का है जो ओपीएस मांग रहे हैं। सही है, लेकिन इसके बाहर भी कुछ कर्मचारी हैं। कांग्रेस पूरा ध्यान दे रही है राजेश इस पे, अगर हम ध्यान से परखें कांग्रेस पिछले कई महीनों से हम देखें कर्मचारियों के लिए वो नई से नई सोच के साथ सामने आ रही है। सही है, अब आउटसोर्स कर्मचारियों का भी ओपीएस का तो हर बार कहती है कांग्रेस ने कहा है कि 10 दिन के अंदर हम ओपीएस दे देंगे, बिल्कुल जैसे मर्जी देंगे। अब कर्मचारियों को और लगभग 30,000 से अधिक कर्मचारी बताए जाते हैं आउटसोर्स के, सही आंकड़ा तो पता ही नहीं चल पाता है, खैर है। अब उन्हें भी कांग्रेस अपने खेमे में लाने की, अपने कोर्ट में लाने की कोशिश कर रही है। एक बयान सामने आया बड़े नेता का, बिल्कुल क्या बयान है ये? बिल्कुल बिल्कुल, जो बयान आया अग्निहोत्री जी वो कांग्रेस जो चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू उनका बयान है। और अभी तक हम कांग्रेस की रणनीति देखें क्योंकि कांग्रेस ने ऐसे वर्ग चिन्हित कर लिए हैं जिनका वोट बैंक ज्यादा है। एनपीएस कर्मचारी आपने सही कहा, 1,25,000 कर्मचारी है, आंकड़ा लगातार जिस तरह का वोट जब परसेंटेज बढ़ती है तो बढ़ता जाता है। इसी तरह अब जो अगले जो कर्मचारी आए वो आउटसोर्स के कर्मचारी कांग्रेस ने एक तरह से उनको कैश करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। आउटसोर्स के कर्मचारियों के लिए कांग्रेस ने ऐलान कर दिया सुखविंदर सिंह सुक्खू की, अगर हम माने तो उन्होंने यह कहा है कि ठेकेदारी प्रथा को प्रदेश में बंद कर दिया जाएगा और आउटसोर्स के कर्मचारियों के लिए सही पॉलिसी बनाई जाएगी। सही पॉलिसी उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 साल से आउटसोर्स के कर्मचारियों को दिलासे दे रही है और ऐलान करती रही है कि हम इनके लिए पॉलिसी बनाने जा रहे हैं। हालांकि अंत तक कोशिश होती रही लेकिन पॉलिसी क्या बनी, किस तरह के बनी, कौशल विकास निगम को ही आगे बीजेपी ने कर दिया या सरकार ने कर दिया, उसके बाद भी नोटिफिकेशन नहीं हुई तो एक तरह से मामला फिर अधर में ये लटक गया है। अब कांग्रेस इसको कैश करने की कोशिश में कि बीजेपी कर नहीं पाई है, हम करने इसको जा रहे हैं और हमारा इसको करने के लिए जिस तरह का एक विजन है वो ये है कि एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाएगी जिसमें ना कोई कर्मचारी नौकरी से जाएगा ना ही किसी कर्मचारी को किसी तरह का घाटा होगा। कांग्रेस दो तरह की प्लानिंग इस पे और कर रही है। पहली की उन्होंने पहला ऐलान कर रखा है कि कैबिनेट की मीटिंग में एक युवाओं को नौकरी, एक बंपर नौकरियां कांग्रेस देगी, वो भी एक तरह से ऐलान है क्योंकि बेरोजगारों को उसके मार्फत साधने की कांग्रेस कर रही है, कोशिश कर रही है। तो ये कांग्रेस की एक तरह से प्लानिंग है, पहले ओपीएस अब आउटसोर्स, आने वाले दिनों में बेरोजगार होंगे और उसके बाद जो बाकी जो पदनाम वाले कर्मचारी हैं कांग्रेस उनको साधने की कोशिश, भरपूर कोशिश करेगी। अग्निहोत्री राजेश, ठेकेदारी प्रथा पे बात की कांग्रेस ने, ठेके की बात नहीं की, कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं की। बिल्कुल एक्सपर्ट मान रहे हैं कि शायद ये 2 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट वाला सिस्टम अभी है, बिल्कुल लगे हाथ ये वादा भी कर दे कि हम सीधे कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके सीधे रेगुलर सर्विस में रखेंगे लोगों को। सही, नौकरियां हिमाचल में कांग्रेस कितनी प्रॉमिस कर पाती है या मान लीजिए भाजपा और कांग्रेस जिसकी भी सरकार बनती है वो कैसे कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल अलग से है। राजेश आने वाले मेरा अंतिम प्रश्न है, छोटा प्रश्न, छोटा जवाब चाहूंगा मैं आपसे। कर्मचारियों का समर्थन बटोरने के लिए देखिए ऐसा नहीं है कि भाजपा छोड़ देगी जी, ओपीएस के मुद्दे को तभी भाजपा सामने लाके बोल रही है कि हम करेंगे क्योंकि हमारे पास केंद्र में डबल इंजन है। बिल्कुल, तो वहां से ये जरूरी नहीं है कि कांग्रेस ने जो कहा है उसको चलते भाजपा ने अपना सारा ध्यान छोड़ दिया कर्मचारियों से, ऐसा किया भी नहीं जा सकता किसी दल के लिए। लगता है दोनों ही राजनीतिक दलों की तरफ से कर्मचारियों को गोलबंद करने के लिए कुछ और घोषणाएं, कुछ और वादे किए जा सकते हैं। जल्दी से राजेश क्या? बिल्कुल सही है क्योंकि चुनावी दौर है और प्रचार का दौर है, प्रचार में लीड लेने की कोशिश दोनों ही पार्टियां करेंगी। अग्निहोत्री जी, अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच जिस तरह का माहौल रहा है कर्मचारियों को कैश करने की जहां भी कोशिश हो रही है उसके बीच में देखें तो हिमाचल प्रदेश में पंजाब के शिक्षकों ने आज हल्ला बोल दिया है। पोल खोलो रैली इन्होंने निकाल दी है जहां से इन्होंने पंजाब में जो भी हालात कर्मचारियों को लेकर या शिक्षकों को लेकर पैदा हो रहे हैं वहां सवालों के कटघरे में उन्होंने वहां की सरकार को खड़ा कर दिया है। अब उस तरह के माहौल से बचने के लिए दोनों ही पार्टियों की प्लानिंग इस तरह की चल पड़ी है। अग्निहोत्री जी, कांग्रेस ने क्योंकि कर्मचारियों को आगे कर रखा है जिनमें तमाम तरह की चीजें कही गई है कि आप उनको साधने की जिस तरह की कोशिश है, वही बीजेपी भी काउंटर कर रही है। आज अगर भाजपा नेता मंगल पांडे का बयान ओपीएस को लेकर आ रहा है, पिछले कल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बयान ओपीएस को लेकर आ रहा है, तमाम तरह की चीजें हैं जहां कर्मचारियों की ताकत को भांपते हुए दोनों ही दल उनको एक तरह से साधने की इन चुनावों में कोशिश करेंगे। राजेश बिल्कुल सही कहा आपने, पंजाब के कर्मचारी जो आ रहे हैं इससे ये मान रहे एक्सपर्ट कि इसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिलेगा और शायद ये ऐसा भी होता है कि कांग्रेस को इसमें कोई बातचीत हुई हो जी, क्योंकि अगर वोट बटते हैं तो कांग्रेस के ज्यादा नुकसान आम आदमी पार्टी से कांग्रेस को होने की आशंका है जैसा माना जाता है।